हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारयां नूं। एक बार फिर तो स्वागत करते हैं गुरुकुल अबोहर दे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सो अज आप डेमो क्लासेस का जिहड़ा सैशन है वह शुरू कर जा रहे हैं। इहदे च बहुत कुछ कंटेंट है जिहड़ा तुहाडे लई नवां रहिण वाला है। सो स्टूडेंट्स, मेरी गुजारिश रहिण वाली है जिन्हें भी तुहाडे फ्रेंड सर्कल दे विच जो भी फ्रेंड्स ने जिहड़े पंजाब कंपीटीटिव टैसट की तैयारी कर रहे हैं, भावें तुसी मास्टर कैडर SST की तैयारी कर रहे हो, भावें PCS, भावें पंजाब पुलिस जेल वार्डर किसी भी टैसट की तैयारी कर रहे हो। सो डेमो क्लास रहने वाली है जी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सैशन रहने वाला है, उस बारे आप चर्चा करांगे। सो उस तो पहला तुसी इस सैशन नूं तुहाडे फ्रेंड्स नाल है जिहड़ा वो शेयर जरूर कर दो ताकि आप कुछ वधिया तरीके नाल है जिहड़ा वो शुरू कर सके। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, प्लीज़ इस वीडियो में अपने जिन्हें भी फ्रेंड्स ने उन्हें तक सर्कुलेट कर दो ताकि आप जरा है कुछ नवे तरीके दे नाल आप शुरू कर सकी जी। हाँ जी, तुसी भावें जी कासे की मर्जी तैयारी कर रहे हो, भावें पुलिस की तैयारी कर रहे हो, NTT की तैयारी कर रहे हो, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, जेकर तुहाडे सिलेबस दे विच पंजाब हिस्ट्री है तो यह सैशन तुहाडे लई बहुत ही ज़्यादा हैल्पफुल रहने वाला है। आने वाले 45 मिनट है जिहड़े डिसाइड कर देंगे कि कुछ नवा सीखिया तुसी। ठीक है जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जिहड़ा आपां टॉपिक अनाउंस कर दिंदे आ पहला जी। धन श्री गुरु नानक देव जी, तुसी अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अपना अज का टॉपिक रहने वाला है जी। एंड बहुत स्टूडेंट कहते होंगे सर ये तो सानू आउंदा है, बट तुसी सिर्फ 45 मिनट सुनना है तो तुसी देखोगे कि ऑलमोस्ट 50% जिहड़ा तुहानू कुछ नवा कंटेंट मिलिया। ठीक है जी, कुछ नवी चीज़ा आपां जिहड़ियां शेयर करांगे। सो उस बारे तुसी जो भी डाउट्स हो नाल नाल तुहाडे जिहड़े कमेंट्स है मैं पढ़ रहा हाँ, आपां उस बारे डिस्कशन जिहड़ी वो करदे रहांगे जी। हाँ जी, रिकॉर्डेड लैक्चर डियर मनोज कुमार, रिकॉर्डेड लैक्चर अलग तो प्रोवाइड है जिहड़े वह किए जाएंगे जी। इस बारे आप मैं पहले ही क्लीयर कर दिना, लाइव सैशन अलग तो रहेगा, रिकॉर्डेड सैशन अलग तो रहेगा। एंड जो भी टॉपिक कंप्लीट होएगा उस तो बाद टॉप जी सिलेक्टिव उस रिलेटिड 50 क्वेश्चन है वो MCQ सीरीज भी थोड़े सामने वो जी प्रस्तुत की जाएगी। इस बारे कुछ इस तरह की असी जी प्लैनिंग की हुई है जी। हाँ जी, सो अज का टॉपिक रहने वाला है जी श्री गुरु नानक देव जी, बर्थ हुए से जी 1469, 1539 तक इन्हों का जीवन काल से। सो क्यों मंदा आखी है जित जम्मै राजान, ऐसे विचारां दे धारनी ते जिहड़े समाज नूं सीधे राही पा के गए, अज आपां उन्हां बारे है जिहड़ी चर्चा करन जा रहे हाँ जी। हाँ जी, सो गल करदे हां सब तो पहला श्री गुरु नानक देव जी। देखो मेरी कोशिश यही रहने वाली सी ते आपां उस चीज़ नूं अज पूरा तुहाडे सामने अज रखण भी जा रहे हां। देखो PPD दी फॉर्म दे विच तुहानूं जिहड़ा करवाया जा रहा है, देखो जो चीज़ भी तुहाडे सामने आए है ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਐਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜੋ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਦ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ। ਗੱਟ ਇਟ? आ दो क्वेश्चन जिहड़े अपने आप पहला ही बना के रखो तुसी अपने माइंड दे विच। देखो इन्हां दा बर्थ बारे गल करिए, 15th of April 1469 नूं राय भोए दी तलवंडी च होया सीगा जी। ठीक है जी, दैट टाइम यह दिल्ली सल्तनत दा हिस्सा सी। ठीक है जी, एट प्रेजेंट जेकर गल करिए तां ननकाणा साहिब है ते पाकिस्तान दे विच रह जांदा है जी। हाँ जी, सो आपां गल करिए जी इस तों बाद जेकर आप देसी महीने के अकॉर्डिंग गल करिए, देखो तुसी कंपीटीशन टैस्ट की तैयारी कर रहे हो तो जेकर तुसी कहो भी सर यही इनफ है साढ़े लिए, तो मैं कहूँ कि ना कि आप गलत है। ये जरा आपको देसी महीने का पता होना चाहिए, वैसाख सूदी 3 बिक्रमी संमत 1526 होया जी। एंड एक कि आपको सोर्स की है इसका आप कि कह सकते हैं, तो याद रखियो जी पुरातन जन्म साखी, तो मेहरबान की जन्म साखी, भाई मनी सिंह की जन्म साखी के अनुसार है। एंड तुहाडे माइंड च क्वेश्चन है जिहड़ा आना लाजमी है कि जन्म साखी की होंदी है जी। सो नैक्सट स्लाइड इस बारे में पूरा डिटेल च दसन जा रहा। उस तो बाद फादर कौन सी जी? मेहता कालू।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਿਆਣ ਰਾਏ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਲਿਆਣ ਰਾਏ ਆਪਣੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਐਂਡ ਬੇਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ ਬੇਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਸੀਗੇ ਤ੍ਰੇਹਨ, ਤੀਸਰੇ ਸੀਗੇ ਭੱਲਾ ਤੇ ਚੌਥੇ ਸੀਗੇ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮਦਰ ਬਾਰੇ, ਮਾਤਾ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂਕੁਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦਾ ਜੋ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਪੀਪੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮੈਰਿਡ ਵਿਦ ਜੈਰਾਮ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜੈਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਰਿਡ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਉਹ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਗਭਗ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜੀ? ਜਨਮ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ। ਅੱਛਾ, ਸਿਸਟਰ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ, ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੋਨ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੋਲੋਅਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸੋ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਭਾਵ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਮੋਸਟ ਬਿਲੀਵੇਬਲ, ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ ਸੀ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ? ਓਕੇ, 17th ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਵਲਾਇਤ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਹਾਫਿਜ਼ਾਬਾਦ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ। ਆਹ ਦੋ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ? ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਮਿਹਰਬਾਨ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ ਕੌਣ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵੇ, ਮੀਨਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਮੀਨਾ ਸੰਪਰਦਾਇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੀਨਾ ਸੰਪਰਦਾਇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਿਸਾਖ ਸੀ 3 ਵਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 1526 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਮ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1721 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1738 ਤੱਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, ਇਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਾਈਟਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਰਸਨ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਹੈ,
1721 तो लैके 1738 तक के हरिमंदर साहब के मुख ग्रंथी रहे हैं। 1738 के जकरिया खां द्वारा इन्हों शहीद करवा दिता गया सीगा जी। सो ये जड़ा है इंपॉर्टेंट गल्लां ने जिहड़ी तुसीं नोट कर सकते हो। इसका दूसरा नाम है जी इन्हां दी जन्म साखी का ज्ञान रत्नावली। ज्ञान रत्नावली भाई गुरदास जी की पहली वार है, उस पर आधारित है जी। विसाख सुदी 3 बिक्रमी संवत 1526 है, इन्हां दे नोट कर सकते हो जी। जी आप अगे पॉइंट नोट करेंगे भाई बाले की श्री तुसी कह सकते हो, तो इन्हां दी जिहड़ी जन्म साखी सी उस पर विश्वास इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उस विच बहुत ज्यादा मिथ्यास दर्शाया हुआ है, ठीक है जी। सो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो गल्लां इंपॉर्टेंट बन दी जी वो तुसी नोट कर सकते हो जी। हाँ जी, सो मेरी एक बार फिर तो गुजारिश है सारे स्टूडेंट्स को जिहड़े भी मेरी आवाज नूं सुन रहे हो, अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो नूं शेयर करो। एंड बहुत जल्दी एक दो दिन बाद पेड ग्रुप है जिहड़े वो स्टार्ट होने जा रहे, डेमो क्लासेस या दो तीन दिन चलणगियां, तुसी नोट कर सकते हो। एंड कोई भी डाउट क्वेरी है तुसी जो गुरुकुल का नंबर आ रहा है कॉन्टैक्ट नंबर तुसी उत्थे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। स्लाइड बारे किसी का कुछ डाउट है जी तुसी पूछ सकते हो जो भी तुहानू मोबाइल फोन की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उस तो बाद अगे गल करते हैं जी। हाँ जी, अबाउट एजुकेशन, श्री गुरु नानक देव जी की एजुकेशन बारे क्वेश्चन बनते हैं जी। उन्होंने एजुकेशन कितों तक के प्राप्त की है जी, तुसी जरूर सुनिया होगा उन्होंने 7 साल की उम्र के भाव टीचर तो हुंदा सीगा जी। सो सब तो पहली इंपॉर्टेंट गल तुसी ध्यान च रखो, इंपॉर्टेंट नेम है जी पंडित गोपाल, हिंदी का ज्ञान प्राप्त होया सीगा जी। हिंदी तो इलावा जिहड़ा तुसी नोट करोगे कई थां ते देवनागरी भी आ जांदा जी, इहदी कदे भी कंफ्यूज नहीं होना गुरु कौन है देवनागरी का गुरु कौन है, तो पंडित गोपाल जी ही होए है। मैथमैटिक्स का ज्ञान भी इतों ही प्राप्त होया सीगा 7 साल की उम्र के। पंडित ब्रिजनाथ संस्कृत का ज्ञान प्राप्त होया जी, कुतुबद्दीन कई पुस्तकों के इसमें रुकनुद्दीन भी लिखा होगा, ठीक है जी। सो कन्फ्यूज नहीं होना, परसियन फारसी भाषा का ज्ञान प्राप्त होया सी, ते अरबी भाषा का प्राप्त होया सी, ते अरबी भाषा का जिहड़ा है ज्ञान प्राप्त होया सीगा जी। सो नोट कर सकते हो तुसी, कदे भी क्वेश्चन आ जाए फारसी ते अरबी भाषा का ज्ञान श्री गुरु नानक देव जी ने कित्थों प्राप्त किया सीगा, तां कुतुबद्दीन ये रुकनुद्दीन दोनों चो जिहड़ी भी ऑप्शन तुहानू तुहाडे क्वेश्चन पेपर दे विच देखण नूं मिलदी, एग्जाम च देखण नूं मिलदी है, वो तुसी टिक कर सकते हो जी। हाँ जी, सो इस तो बाद जो आप अगे शुरू करेंगे जी। हाँ जी, द हिंदू सेकर थ्रेड जनेऊ द वेरी इंपॉर्टेंट नोट करोगे। हाँ जी, हिंदू जिहड़ा धार्मिक धागा सी जनेऊ, आप उस बारे जिहड़ी डिस्कशन करन जा रहे हो। असल च जनेऊ हुंदा की है, आ तुसी पिक तुहानू जिहड़ी है दिखाई दे रही है, इस बालक ने एक धागा पहनया होया जी कॉटन का, ठीक है, इस नूं जनेऊ कहा जांदा जी। अच्छा, कई थां ते हुण एग्जाम हैगा तां आपां नूं एग्जाम दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल सारियां गल्लां जिहड़ियां पता होनियां चाहीदियां है की है जी। इस नूं उपनयना भी कहा जांदा जी, जनेऊ भी कहा जांदा है, पोयता भी कहा जांदा है, इस तरह के कई नाम ने जिहड़े यज्ञोपवीता, इस तरह कई नाम जिहड़े तुहानूं देखण नूं मिलदे आ जिहड़े एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपॉर्टेंट भी हुंदे आ जी, ठीक है। उस तों इलावा इस नूं वीयरिंग करन दा जिहड़ा मार्कर हुंदा जी लैफ्ट शोल्डर तों राइट क्रॉसिंग हुंदा जी चेस्ट देर आफ्टर, आ जिहड़ा तुसीं पिक दिखाई दे रही है तुसीं इत्थे नोट कर सकदे हो। उस तों बाद है जनरली दिस सेरेमनी इज बिफोर द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र तो पहला पहला यह सेरेमनी है जी की जाती है जी। ये तुसीं नोट कर सकते हो, जनेऊ असल यह होंगे जी, जनेऊ की रसम श्री गुरु नानक देव जी नाल एक संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो तुसीं नोट कर सकते हो। क्वेश्चन की बनेगा तुहाडा, श्री गुरु नानक देव जी एट द एज ऑफ 9, फर्स्ट ऑफ ऑल एज ध्यान च रखियो जी 9 साल की उम्र के। अच्छा, अज भी ब्राह्मण समाज के तुहानू जिहड़ा यह चीज़ देखने को मिलेगी 16 साल तो पहला पहला यह सेरेमनी परिवार के की जाती है। पंडित हरदयाल जी इंपॉर्टेंट नाम है जी, पंडित हरदयाल जी द फैमिलीज पुरोहित, कुल पुरोहित सीगे, ठीक है जी, उन्होंने घर दिया जो भी रस्मां सीगियां धार्मिक तौर पर उही अदा करते होंगे सीगे। सो ध्यान च रखोगे ब्राह्मण प्रीस्ट सीगे, ठीक है, ब्राह्मण कुल के पादरी सीगे, तुसी नोट कर सकते हो। ये जनेऊ पाउण आए तो श्री गुरु नानक देव जी ने उस जनेऊ नूं पाउण तों जिहड़ा वह मना करता सीगा जी, वह जनेऊ नूं पाउण तों कीता सीगा जिहड़ा अज भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का हिस्सा भी है।
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕਤ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀਗੇ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੈ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੈ ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸਿਉ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗੜ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸੂਤ ਦਾ ਧਾਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਗਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਜਾਂ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨਸ ਧਨ ਸੀ ਉਹ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਚ ਐਸਾ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਧਨ ਹੈ ਮਾਨਸ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਪਸ਼ੂ ਚਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੰਡੀ ਚੂੜਖਾਨਾ ਮੰਡੀ ਚੂੜਖਾਨਾ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਪੂਰੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਅਰੈਸਟ ਮੰਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੂੜਖਾਨਾ ਸੀ ਸੋ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇਗਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਮੰਡੀ ਚੂੜ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੂਕਾਬਾਦ ਇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਨੇਮ ਹੈ ਮੰਡੀ ਚੂੜਖਾਨਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਰਿਜ ਬਾਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੇ ਇਹ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸੀਗੇ ਬਟਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਸੀਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੱਖੋਗੇ ਪਾਖੋਕੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ ਪਾਖੋਕੇ ਰੰਧਾਵੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਖੋਕੇ ਰੰਧਾਵਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਸੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਬਟਾਲਾ ਸੀਗਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਸਮ ਇੱਥੇ ਅਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਸੀ ਸਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਕਲੀਅਰ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਦੋ ਹੀ ਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਇੱਕ ਮੀਣਾ ਮਤ ਮੀਣਾ ਮਤ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਥੀ ਚੰਦ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਨਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੈਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਂਜੀ ਕੁਛ ਵੈਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਬਟਾਲਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਲੋਕੇਟਿਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਵਿਆਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਤ ਸੀਗੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ
क्योंकि सुल्तानपुर लोधी बीबी नानकी जी विहे हुए थे, सारिया जिहड़ियां विआह दी रस्मां सीगियां सुल्तानपुर लोधी च होईयां सीगियां, उत्थों बरात हुंदी हुई बटाला पहुंची सी जी। क्लीयर, हरेक साल इत्थे सितंबर महीने बटाला दे विच तीन दिन का जिहड़ा बाबे नानक दा विआह दा समागम हुंदा ते संगतां जिहड़ियां सिख संगतां बड़ा धूमधाम दे नाल इस नूं जिहड़ा है मनाउंदियां जी। उस तों इलावा नेम ऑफ गुरद्वारा कम्स फ्रॉम कच्ची कंध, ठीक है जी, मड वॉल तो आया जी। सो देखो जिहड़ी तुसीं चीज़ ध्यान च रखनी है कि जदों श्री गुरु नानक देव जी दे इत्थे बरात गई सी तां जन्म साखियां दसदियां, इतिहास दसदा कि कुछ शरारती तत्वां ने उन्हां दी जिहड़ी मंजी सीगी वह कच्ची कंध दे जिहड़े हेठां डाह दित्ती सी वी कच्ची कंध डिगेगी, कुछ मखौल बनेगा, कुछ इस तरह का। तो एक ये मन्या जाता है कि वह कंध अज भी जिहड़ी सिख संगतां जांदियां तो वह कंध एज इट एज खड़ी हुई है। सो ये तुसीं नोट कर सकते हो जी। उस तो इलावा हाँ जी, कदे भी क्वेश्चन आ जी गुरद्वारा कंध साहिब कित्थे है जी, तो याद रखियो जी बटाला च रह जाता है जी, गुरदासपुर च रह जाता है जी। किसी का कुछ डाउट है जी पूछ सकते हो। हाँ जी, किसी का कुछ डाउट है तो क्लीयर कर सकते हो, कुछ भी क्लीयर पूछना चाहते पूछ सकते हो। हाँ जी, 14 साल की उम्र च विआह होया, परंतु फिर भी जिहड़ा इन्हां दी मानसिक वृत्ति सी जिहड़ी वह दुनियावी कामां च नहीं लग पाई, इस करके पिता थोड़ा ज्यादा फिक्रमंद हुंदा होया। बीबी नानकी नाल गल करते हैं, जयराम जी नाल गल करते हैं भी तुसीं इन्हां नूं अपने कोल बुलाओ ते इन्हां नूं थोड़ा बहुत काम धंधे लाओ। सो गल करते हैं 20 साल की उम्र दे विच जिहड़ा इन्हां नूं सुल्तानपुर लोधी भेजा गया, जयराम जी कोल भेजा गया, ठीक है जी। जयराम जी जिहड़ा कि श्री गुरु नानक देव जी का भरोइया सीगा जी, दौलत खां लोधी की नौकरी विच उच्च अधिकारी सीगा जी। दौलत खां लोधी है जिहड़ा ये परसन अगे जाके 1500 तो लैके 1525 तक पंजाब का गवर्नर रहा सीगा जी, एज तुसीं सीएम नाल कंपेयर कर सकते हो। उस तो बाद आपां गल करिए जयराम जी की सिफारिश से दौलत खां लोधी दे मोदीखाने, मोदीखाने तो भाव अन्न भंडार तो होंदा जी, विच भंडारी की नौकरी की जी। इन्होंने भंडारी जिहड़ा समान तोलन का काम करता, तुसीं ध्यान च रखोगे। क्वेश्चन बन के आउंदा हुंदा जी किहड़ी नौकरी की जी भंडारी, तो किहदा मोदीखाना सीगा जी या किहदा अन्न भंडार सीगा जी। सो ध्यान च रखोगे जी तुसीं, दौलत खां लोधी का सीगा जी। सो ये एक इंपॉर्टेंट जिहड़ा है बन जांदा जी तुहाडे लई। किसी का कुछ भी डाउट है जी क्लीयर कर सकते हो जी। हाँ जी, गल करते हैं एनलाइटमेंट, ज्ञान प्राप्ति, पंजाबी तुसी कह सकते हो ज्ञान प्राप्ति एनलाइटमेंट, इस बारे डिस्कशन करांगे जी। 1499 दे विच 1499, अच्छा कुछ पुस्तक जे तुसी भी कोई पंजाब कंपीटेटिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हो तो तुसी किसी पुस्तक दे विच इस नूं 1495 भी पढ़िया होगा, परंतु एग्जाम जे बनिया तो जे उहदे विच इह क्वेश्चन आया भी ज्ञान प्राप्ति कदों हुई तो आंसर यही मन्या जाऊगा जी, ठीक है। सो क्योंकि ज्यादा इतिहासकार इस नूं रिकमेंड करते हैं 30 साल की उम्र के ज्ञान प्राप्ति मनी जाती है। काली बेई रिवर, देखो अज तक तुम सिर्फ जो पढ़ के आए हो तुम यही पढ़िया होना है कि उन्होंने मात्र 30 साल की उम्र के जी ज्ञान प्राप्ति हुई सी। अच्छा, जन्म होया 1469 के 1469 के आलिया पोलिया हरकत पांधे को जाना, उत्थे गिला शिकवा उत्थे एक ओंकार का पाठ पढ़ा के आ गए। उस तो बाद जनेऊ की रस्म घरे होंगी है, एक किसी चीज की सर्चिंग दे विच एक उम्र आई सी, वो चीज इन्हों मिली नहीं सी। असल दे विच एक किसी रब दे एहसास नू मानना चाहते सी, वो जाके इन्हों 30 साल की उम्र च एहसास होया। क्लीयर है जी, उसी चीज़ को ज्ञान प्राप्ति कहा जाता है। असल च काली बेई रिवर सी कित्थे रह जांदी जी, सुल्तानपुर लोधी च है जी, ठीक है जी। बेई रिवर तुसीं पढ़िया पर ध्यान रखियो जी काली बेई रिवर है। हुण देखो जी अबाउट काली रिवर, आपां पहलां इहदे बारे पढ़ लैंदे क्योंकि सिख इतिहास दे विच इंपोर्टेंट प्लेस है। सो आपां इस बारे थोड़ी जी चर्चा कर लैंदे आ जी। ये ब्यास रिवर चों निकलदी एक छोटी जी नदी है जिसकी जिहड़ी लंबाई है 160 किलोमीटर के करीब है, तो वापस जाके ब्यास नदी दे विच इह समा जांदी है। क्लीयर, इन दोज थ्री डेज, ये तीन साल तीन दिन है जिहड़े उत्थे अलोप रहे सी 1499 दे विच, श्री गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह हैड बिकम वन विद गॉड। यह उस समा सीगा तीन दिन जिदे उस परमात्मा दे नाल जिसकी सर्चिंग दे विच घूम रहे सीगे उन्हां दे नाल वापस जाके एकमिक हो जांदे जी। हाँ जी,
उस तो बाद आप गल करांगे ही हैड मर्ज्ड बैक इनटू द अकाल पुरख, उस परमात्मा दे नाल मर्ज हो चुके सी अकाल पुरख दे नाल। हियर ही रिसीव्ड द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हियर ही रिसीव्ड नाम। कदे भी क्वेश्चन आ जाए श्री गुरु नानक देव जी नूं नाम कित्थे मिलिया सीगा, तां ओह ऐसे जगह ते मिलिया सी काली बेई रिवर। ठीक है जी, नाम की हुंदा जी कनैक्शन टू द डिवाइन, उस परमात्मा दे नाल कनैक्ट होण दा वे है जी। इन्हां नूं गुरगद्दी इत्थों प्राप्ति हुई सी। गुरगद्दी कदों शुरू हुई है सिखी इतिहास के, गुरगद्दी कदों शुरू हुई है, कदों गुरशिप शुरू हुई है, तो 1499 के आफ्टर एनलाइटमेंट ज्ञान प्राप्ति तो बाद शुरू हुई है जी। सो गल करते हैं इतने इन्हों सरोपा मिलिया जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते जी। इतों गल करते हैं इतों बाहर निकलने बाद इन्ह ने तीन दिन अलोप रहने तो बाद इन्हों के बोल सके ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। ठीक है जी, इन्होंने कहा ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, अर्थात सब ईश्वर के बच्चे है। दूजा मीनिंग है कोई हिंदू नहीं है कोई मुसलमान नहीं है, सब अपने रास्ते तो भटके हुए हैं जी। सो तुसी ध्यान च रख सकते हो जी, दोनों जिहड़े है इंपॉर्टेंट बन जाते हैं जी। गल करांगे जी आपां गुरद्वारा संत घाट साहिब। हाँ जी, गुरद्वारा संत घाट साहिब बारे गल करांगे जी। तुहानू साइड ते पिक जिहड़ी वह दिखाई दे रही है गुरद्वारा संत घाट साहिब। हाँ जी, पीडीएफ है जिहड़ी नैना वर्मा जो गुरुकुल का ग्रुप बनया हुआ उहदे विच प्रोवाइड कर दिती जाऊगी। फिर भी कुछ डाउट है जी पूछ सकते हो। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गुरुद्वारा संत घाट साहिब है इज ऑन द बैंक ऑफ काली बेई रिवर। जिहड़ी काली बेई रिवर दे विच श्री गुरु नानक देव जी नूं ज्ञान प्राप्ति हुई सी उहदे कंढे ते बनया होया है। की बनया होया जी? गुरुद्वारा संत घाट साहिब। क्लीयर, सुल्तानपुर लोधी च है, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला दे विच। इत्थे देखो जदों ज्ञान प्राप्ति हुई है तां तीन चीज़ां दी जिहड़ी शुरुआत मन्नी जांदी है। द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एक ओंकार। एक ओंकार सतनाम द मूल मंत्र, इस दी शुरुआत कित्थे मन्नी जांदी है जी? काली बेई रिवर या संत घाट गुरद्वारा साहिब है जिहड़ी मन्नी जांदी है। मैं अगेन रिपीट कर रहा, इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान च रखोगे। एक ओंकार द मूल मंत्र, एक ओंकार सतनाम आप मूल मंत्र के तौर पर जानते हैं। इस दी जिहड़ी शुरुआत है वह इत्थों ही हुंदी है जी, इंपॉर्टेंट है जी। उस तो अलावा दो होर है जी, पर इन्हें जो सब तो मेन यही है ना हम हिंदू ना मुसलमान, इस तरह के बोल अंग अंग तो भाव पन्ने तो होंगे। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के टोटल 1430 अंग ने, मैं गल कर रहा अंग 1136 के उपर। श्री गुरु अर्जन देव जी के दे बोल भी यही कहें, शब्द कहेंदे ना हम हिंदू ना मुसलमान, वह भी वो शुरुआत भी इतों ही मनी जाती है। उस तो बाद हम ढाडी बेकार कारे लाया, असी वेले घूमे फिरदे सीगे, 30 साल वैसे ही उम्र जाया जा रही सी, पर उस परम पिता परमेश्वर ने उसने हुण सानू कारे लाता, कम लाता। ये बोल श्री गुरु नानक देव जी के अंग 150 के उपर है जिहड़े एज इट एज लिखे हुए हैं जी, तुसी नोट कर सकते हो जी। गुरद्वारा संत घाट साहिब इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिहड़ा तुसी नोट करोगे। गुरद्वारा संत घाट साहिब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जी, जिहड़ा तुसी नोट करोगे। कित्थे है जी? सुल्तानपुर लोधी, ऑन द बैंक ऑफ काली बेई रिवर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज एक ओंकार सतनाम द मूल मंत्र, इतों ही शुरुआत है जी मनी जाती है जी। डाउट है जी, क्लीयर कर सकते हो। ठीक है जी, बाकी डोंट वरी, जो तुम नोट कर लिया चंगी गल है। बाकी इसकी पीडीएफ है जी, बहुत जल्दी है प्रोवाइड कर दी जाऊगी। गल करते हैं नैक्सट स्लाइड बारे। गुरद्वारा बेर साहिब, गुरद्वारा बेर साहिब सुल्तानपुर लोधी के रह जाता है जी, जो तुम नोट करोगे। हुण देखो तुहानू पता है श्री गुरु नानक देव जी साइड से तुहानू पिक दिखाई दे रही है गुरद्वारा बेर साहिब की, बाकी गूगल करके भी तुम इस देख सकते हो। गुरद्वारा बेर साहिब की है? श्री गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर लोधी के जिहड़ा 14 साल 9 महीने ते 13 दिन रहे जी। बन गया क्वेश्चन कि नहीं जी? सुल्तानपुर लोधी, देखो तुम कहोगे सर निकल जाते हैं ये तो 10 साल ही होए, क्वेश्चन थोड़ा जेन्युइन है, बनता भी है, पर मैं क्लीयर करना चाहूँगा इतने कि जदों भी किसी उदासी से निकलते होंगे सी उस तो बाद वापस परतते होंगे सीगे। वापस कितने परतते होंगे? सुल्तानपुर लोधी जरूर आके जाया करते। ओवरऑल जो टाइम मनिया जाता है सिखी इतिहास के, अज भी गुरद्वारा बेर साहब जाओ उ आ नंबर तुम्हें एज इट एज देखने को मिलेगा, 14 साल 9 महीने तो 13 दिन है जोड़ा इतने उन्होंने जोड़ा समा बतीत किया होया। देखो जो इतने रेंदे होंगे तो यह मैडीटेट करते तपस्या करते मैडीटेशन करते होंगे सके एक बेर दे एक प्लम के पेड़ के हेठा। ठीक है, सो इस जगह के उपर जोड़ा है गुरद्वारा बेर साहब बनया हुआ है, तो जिथे बैठ के तपस्या करते होंगे सके
तप करया करदे सी। तुसीं अज वी कदे गुरुद्वारा बेर साहिब जाओगे उत्थे तुहानूं तप स्थान देखण नूं मिलेगा जिथे श्री गुरु नानक देव जी बह के तपस्या करया करदे हुंदे सीगे। तां तप स्थान बणिया होया जी, तप स्थान प्लेस ऑफ मेडिटेशन इज ऑलसो लोकेटेड हेयर, जिहड़ा तुसीं नोट कर सकदे हो जी। हाँ जी, किसी का कुछ डाउट है जी, कुछ भी डाउट क्वेरी है वो तुसीं पूछ सकदे हो जी। हाँ जी, गुरद्वारा बेबे नानकी जी सुल्तानपुर लोधी। देखो सुल्तानपुर लोधी आप सिर्फ ज्यादा तो ज्यादा की पढ़िया हुंदा जी, गुरद्वारा बेर साहब है। देखो गुरद्वारा संत गार साहब कितना इंपॉर्टेंट है, काली बेर रिवर जिथे उन्होंने ज्ञान प्राप्ति हुई सी उहदे बैंक ते बनिया होया है गुरद्वारा बेर साहब, जिथे उन्होंने 14 साल 9 महीने ते जिहड़ा है उत्थे तप कीता तपस्या कीती है, वो इंपॉर्टेंट अलग तो जिहड़ी प्लेस बन जाती है जी। अच्छा, गुरद्वारा बेबे नानकी जी असल च घर सी बीबी नानकी जी का, वो अज गुरद्वारा साहब च कन्वर्ट हो चुके है, वह भी सुल्तानपुर लोधी च है जी। चलो आप इस बारे थोड़ा जिहा इतिहास पढ़ते हैं अबाउट बेबे नानकी जी, एल्डर सिस्टर ऑफ श्री गुरु नानक देव जी। एज वी ऑल नो उन्होंने व्डे भैन सी, 5 ईयर्स एल्डर सी, मतलब उन्हों का जन्म जोड़ा 1464 के 5 साल व्डे से उन्हों तो। गल करते हैं मैरिड विद भाई जयराम जी सुल्तानपुर लोधी। सुल्तानपुर लोधी है जोड़े गए हुए थे जयराम जी गए हुए थे श्री गुरु नानक देव जी के भणोइए का की नाम सगा जी, तो की नाम सगा जी, वह जयराम जी सगा, तुम नोट कर सकते हो। उस तो बाद गल करांगे इवन श्री गुरु नानक देव जी वैडिंग प्रिपरेशंस ऑल ऑफ द हैपनड हेयर। मैं पहला भी डिस्कशन की सी कि श्री गुरु नानक देव जी के विह दिन्निया भी रस्म सगियाँ सारिया की सारिया सुल्तानपुर लोधी च बीबी नानकी दे करे है जड़िया वो पूरी हुई सगिया जी। नोट कर सकते हो बेबे नानकी जी द वेरी फस्ट सिख, आ गया ना क्वेश्चन जी, बीबी नानकी जी द वेरी फस्ट सिख, पहले सिख के तौर पर जाने जाते हैं, द फस्ट परसन हू रिकोगनाइज दैट गुरु जी इज लाइट ऑफ गॉड। ठीक है जी, उन्होंने ये रिकोगनाइज कर लिया सगा कि वह परमात्मा का रब्बी रूप है। ठीक है जी, सो ये जरा नोट कर सकते हो जी। देखो 3 गुरद्वारा साहब ने रिपीट करते नाल नाल। हाँ जी, पहला कि जी गुरद्वारा संत गाट साहब ऑन द बैंक ऑफ काली बेई रिवर, एंड दैन आफ्टर गुरद्वारा बेर साहिब जिथे उन्होंने 14 साल तो कुछ महीने तप भी किया हो जी। गुरद्वारा नानकी जी बीबी नानकी जी को समर्पित जोड़ा सुशोभित किया गया गुरद्वारा साहब, वो तुम नोट कर सकते हो जी। किसी का कुछ डाउट है क्वेरी है तो तुम पूछ सकते हो जी। हाँ जी, सो ये अपना जोड़ा अज का एक इंपॉर्टेंट सैशन डेमो क्लास तुम कह सकते हो। इस तरह के इस तरीके जोड़ा कंटेंट है तुम्हें प्रोवाइड किया जाऊगा आफ्टर 2 or 3 days जिहड़ियां क्लासेस ऐप के उपर जिहड़ियां शुरुआत हो जा रही उन्हां दी। डेमो लैक्चर इदां ही एज इट एज ऐप के उपर पए हुए ने, तुसीं किसी भी ऐप बारे डिटेल दे विच जानना चाहुंदे हो सब तो पहले तुसीं गुरुकुल ऐप इंस्टॉल कर लो, उत्थे अलग अलग कोर्सिस बारे अलग अलग डिटेल दे विच जिहड़े डेमो लैक्चर्स पए हुए है उहदे बारे पूरा डिटेल दे विच दस्सिया होया है। फॉर एग्जाम्पल तुसीं जेल वार्डर दे लई अप्लाई करना कीता होया है, उसकी तैयारी कर रहे हो तो जेल वार्डर उत्थे कॉलम बनिया होया है, उत्थे जाके तुसीं पूरे डिटेल दे विच किहड़ा किहड़ा टीचर किहड़े किहड़े सब्जेक्ट नूं टीच कर रहा है किदां टीच कर रहा है वह सारा का सारा उत्थे पूरा डिटेल दे विच दित्ता होया है। बाकी फिर भी किसी नूं कुछ भी डाउट है तो कमेंट सैक्शन दे विच या तुहाडा जो भी ग्रुप बनया होया उत्थे तुहाडे नाल कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए हुए हैं, कोई भी क्वेरी दे लई तुसीं उत्थे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो ये अपना अज का फस्ट लैक्चर, कल आप इसे ही टाइम 11:15 सैकेंड लैक्चर लैके तुहाडे सामने रूबरू होवांगे। किसी नूं कुछ भी डाउट है जी तुसीं कमेंट सैक्शन ते सानूं पुछ सकदे हो जी। सो आज दे लई इन्ना ही, वीडियो अंत तक देखने दे लई शुक्रिया, धन्यवाद जी।